हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, नाउ टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये क्लास आपकी रेलवे ग्रुप डी 2019 एग्जाम के लिए है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप इस क्लास का टाइम नोट कर सकते हैं। और जीके की इस क्लास का टाइम नोट करके अगर आप डेली क्लास लगाना स्टार्ट करते हैं तो जीके का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक अच्छे से। क्योंकि जब तक आपका एग्जाम होगा मैं सारे टॉपिक आपको कवर करा चुका हूँगा और विद टेस्ट, अब बीच बीच में टेस्ट भी होते रहेंगे तो अच्छे सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लास का टाइम है दोस्तों 3:30 PM, यानी कि 3:30 बजे क्लास लाइव हो जाती है टॉपिक स्टडी चैनल पर। अगर आप अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो, और वीडियो को देखिए शुरू होते ही शेयर कर दिया करें प्लीज़, आप लाइक कर दिया करें, डेली बोलना पड़ता है आपको। और देखिए आज का हमारा टॉपिक है जलवायु, मौसम एवं वनस्पति। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। और ये ज्योग्राफी की क्लास 4 है। अगर आपने इससे पहले 3 क्लासेज नहीं देखी है तो वो क्लासेज आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है गाइज, चलिए। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए आपके पास ग्रुप्स हैं, सभी के पास व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं या टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, उनमें वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट ताकि हमारे और लाइव बढ़ जाएं, 30, 40, 50, 100 ये लाइव हो जाएं। ठीक है, फटाफट शेयर कर दीजिए और एक लाइक के साथ में हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, पवन वेग को किस यंत्र से मापा जाता है? तो पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं दोस्तों, बिल्कुल पवन वेग मापी यंत्र से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजने वाला 40 ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिल्कुल देखिए इसका सही आंसर रहेगा पश्चिमी पवन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यापारिक पवने कहाँ से चलती है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल उपोषण उच्च दाब से, यानी कि हाई प्रेशर से। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है? देखिए व्यापारिक पवन किसे कहा जाता है, बिल्कुल देखिए व्यापारिक पवन कहा जाता है पश्चिमी पवन को। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह व्यापार में सहायता करती है, परंतु पश्चिमी पवन इनमें बाधा डालती है। ठीक है, तो इसे व्यापारी पवन कहा जाता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ओलावृष्टि का कारण होता है? देखिए ओलावृष्टि का कारण क्या होता है दोस्तों, हिमानीकरण। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे आप, डी लगाएंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? बिल्कुल देखिए भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है। तो इसका सही आंसर आप क्या लगाएंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। तो सही आंसर आप ऑप्शन ए लगाएंगे गाइस। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आप आंसर करते रहिए दोस्तों, आंसर आप करते रहेंगे तो अगर आप गलत भी कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि कितने आप गलत कर रहे हैं और कितने सही कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान में क्या होगा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान वर्तमान से कम हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, वर्तमान में कम हो जाना, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, चक्रवात कब होता है? बिल्कुल
इसका सही आंसर क्या रहेगा, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तो चक्रवात बन जाता है। तो सही आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे गाइस। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अनुन्मेय प्राकृतिक आपदा है। तो इनमें से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है, बिल्कुल देखिए भूकंप जो है अनुमेय प्राकृतिक आपदा है जो कभी भी आ सकती है, तो इसका सही आंसर क्या रहेंगे, भूकंप लगाएंगे। ठीक है गाइस, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, बिल्कुल देखिए ब्राजील जो है वो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राजील संसार में सबसे ज्यादा कवा यानी कि कॉफी का उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ब्राजील। दूसरे नंबर पे वियतनाम है। कई बार आपको ऑप्शन में ब्राजील ना दिया जाके वियतनाम दे दिया जाए, ठीक है, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर वियतनाम हो जाएगा, क्योंकि अगर पहले नंबर का कोई ऑप्शन नहीं है तो दूसरे नंबर वाला हो जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो ब्राजील ना देके यहाँ पे वियतनाम दे दिया जाए तो आपका ब्राजील रहेगा आंसर, सॉरी वियतनाम हो जाएगा। अगर ब्राजील और वियतनाम दोनों दे रखे तो वियतनाम आपको लगाना है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट है, चरगाह को पंपास कहा जाता है कहाँ पे। तो कहाँ कहा जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही, देखिए दक्षिण अमेरिका में चरगाह के घास को जो कहा जाता है पंपास कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं। तो ये तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो पंपास कहते हैं, तो ये वही का क्वेश्चन हो गया, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। घुमा के कैसे भी पूछे जाए आंसर वही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। आर्द्रता मीन्स क्या होता है दोस्तों, ह्यूमिडिटी, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आर्द्रता मापी यंत्र से, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है। बिल्कुल देखिए चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। यह जापानी शब्द है और यह समुद्र के उत्पन्न होता है, यह समुद्र से उत्पन्न होता है, ठीक है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे भारत में इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है और इसको चीन में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, टाइफून इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट है, नॉर्वेटर या काल बैसाखी तड़ित झंझा एक बिजली युक्त तूफान है जो खालिस्तान में आता है। 15 का राइट आंसर बता दीजिए। देखिए नॉर्वेटर या काल बैसाखी तूफान बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होता है, यह भारत के तटीय प्रदेश व बांग्लादेश को प्रभावित करता है। तो ये कहाँ कहाँ पे आएगा दोस्तों, भारत और बांग्लादेश, इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत तथा बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पवने गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है। बिल्कुल देखिए सिराको पवने जो है वो गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर क्षेत्र सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, सिरोको, ठीक है दोस्तों,
सिराको इसका सही आंसर रहेगा गाइस। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। ITCZ का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा गाइस? बिल्कुल, अतः उष्णकटिबंधित अभिसरण क्षेत्र। तो सही आंसर क्या रहेगा, आप ऑप्शन बी लगाएंगे। डोल्ड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किसन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? यहां पे होगा किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है। देखिए, डोल्ड्रम दबाव क्षेत्र भूमध्य रेखा 5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर में, और ध्रुव से 5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण ध्रुवों पर बनता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है गाइस, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? देखिए, टुंड्रा वन जो होते हैं वो शैवालों व काई से बने होते हैं। यह वन एक बायोम है। टुंड्रा शब्द फिनिश भाषा से आया है, ठीक है। टुंड्रा प्रदेशों के तीन प्रकार है, आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा और एंटार्कटिक टुंड्रा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? टुंड्रा वन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? मरुस्थल। मरुस्थल का दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है, क्योंकि मरुस्थल में रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वही दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? मरुस्थल, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? तो देखिए, जो पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम बोलते हैं, देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वर्ड ज़्यादा अच्छा है और ये बड़ा ही पॉपुलर भी है, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल के ऊंची सतह में भूमध्य सागर, अंध्र महासागर से नमी लेकर अचानक वर्षा कर देते हैं। देखिए, सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको मतलब नॉर्थ साइड में उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कहा जाता है, ठीक है। यह प्रभाव भारत के पंजाब राज्य, अन्य उत्तर राज्यों पर पड़ता है, ठीक है। जो भी नॉर्थ में है उन पे सभी पे पड़ता है, बट यहाँ पे पंजाब राज्य मेनली आता है। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन ए लगाएंगे गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा हो सकती है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। पर्याप्त वर्षा होती है होगा, ठीक है, होती है, जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? देखिए, किसी पर्वत श्रेणी के पवन विमुख ढाल पर स्थित क्षेत्र जहां औसत वर्षा अपेक्षाकृत अल्प होती है, यानी कि कम होती है, पर्वत श्रेणी की पवनीय ढाल पर आर्द्रता हवाएं ऊपर उठती हैं। जब ये हवाएं पर्वत श्रेणी को पार करके पवन के विमुख ढाल से नीचे उतरती हैं, तो यह हवाएं गर्म और शुष्क हो जाती हैं, जिसके कारण कम वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? यह एक दृष्ट छाया क्षेत्र है, यह एक दृष्टीय छाया क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन
ए इसका सही आंसर आप लगाएंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरा, बादल, कुहासा खालिस्तान के उदाहरण हैं। देखिए दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है यार लाइक कर दिया करें, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, आपका रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है, तो वीडियो बनाने का इतना मन सा भी नहीं करता है, बट रेगुलरिटी के साथ में हम बना रहे हैं कि एक ना एक दिन आपको समझ में आएगी चीज़ें कि हाँ शेयर करना ज़रूरी होता है, तो आप शेयर कर देंगे। ठीक है, तो यार लगातार आप शेयर वेयर करते रहा करो। देखिए इसका सही आंसर रहेगा एरोसॉल, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कोहरा, बादल, कुहासा एरोसॉल के उदाहरण हैं। यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? तो वह बिंदु कहलाता है दोस्तों फोकस, फोकस कहलाता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाले कवच का काम कवच का क्या काम करता है, या फिर क्या नाम है कवच का? बिल्कुल, देखिए समताप मंडल के निचली परत में ओजोन गैसों की मौजूदगी होती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? समताप मंडल, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में खालिस्तान वृद्धि हुई है। बिल्कुल, देखिए पृथ्वी के तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है, तो सही आंसर आप ऑप्शन ए लगाएंगे इस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है SAARP कृषि केंद्र SSC किस शहर में स्थित है? बिल्कुल, ये है दोस्तों ढाका शहर में स्थित, जहां पर कृषि की गतिविधियों की जानकारी दी जाती है, तो सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। मृदा निर्माण में खालिस्तान अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, जलवायु इसका सही आंसर है गाइस, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा को बचाया जा सके? बिल्कुल, रक्षक मेखलाएं इसको कहा जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा गाइस। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नेक्स्ट है अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों? देखिए शराब और शैंपेन के लिए अंगूर की खेती महत्वपूर्ण है, और भूमध्य सागर एक ऐसा स्थान है जहां पर अंगूर की खेती के लिए अनुकूल जलवायु है, तो सही आंसर क्या लगाएंगे आप? भूमध्य सागर। ठीक है गाइस, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? बिल्कुल, देखिए यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके चाय का निर्यात नहीं करता है, जबकि अन्य सभी देश चाय का निर्यात करते हैं। चाय उत्पादन के क्षेत्र में चीन, भारत, केन्या और श्रीलंका विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादक हैं, तो सबसे पहले नंबर पे कौन है? चीन है, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को का नाम क्या होता है या क्या कहते हैं? देखिए इसको कहा जाता है
वेल्डर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ बक्सम के नाम से जानी जाती है? बिल्कुल, चिनूक जानी जाती है दोस्तों, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल नहीं है? देखिए, खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। तो इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गेहूं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? देखिए, ज्वार एक नकदी फसल नहीं है, वह फसल जिसका उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है उसे नकदी फसल कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी गाइस। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो ये भी मैंने शायद शुरू में ही बता दिया था आपको, पंपास कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो सबसे पहले तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल को पे अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टॉपिक स्टडी चैनल को, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो वो आप मेरे से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। अगर आप ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो सौरभ मलिक के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप सौरभ मलिक 17 के नाम से और फेसबुक पे सौरभ मलिक के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से आपकी क्लासेस आती रहेगी। 3:30 पे क्लास आती है डेली ग्रुप डी की, तो आप इस क्लास को मिस मत करिए। हर रोज क्लास को देखिए और इसी तरीके से अपनी जीके को इम्प्रूव करते रहिए। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।